हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पीयू। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस तरह का सरप्राइज पॉपअप बॉक्स, जो कि इस तरह से एनवेलप में से हम लेटर खींचते हैं और इस तरह का पॉपअप क्यूब उछल के बाहर आता है। ये मुझे इंस्टाग्राम पर मिला था और मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका भी DIY करें। तो फिर मैंने इसे बनाया और रिज़ल्ट काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा इसका, जो कि आप देख सकते हैं इतना अच्छा बना मुझसे ये। और मैं आज के वीडियो में आपको यही पॉपअप बॉक्स सिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जितना आपको ये अच्छा लग रहा है ना दिखने में, उतना बनाने में नहीं, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले आपको इसे बनाने के लिए कार्ड शीट पेपर लेना है, अच्छा मोटा कागज़ लेना है, और आपको जिस भी डायमेंशन का बनाना है उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क करना है। जैसे अगर हमने 5 के लिए बनाया तो हमने 5 सेंटीमीटर के 3 मार्क्स कर दिए हैं। अगर आपको 7 सेंटीमीटर का बनाना है तो 7 सेंटीमीटर के 3 मार्क्स करने पड़ेंगे, और फिर यहाँ पर हमें 7 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है, या जिस भी सेंटीमीटर जितने का भी आपको बनाना है वो हमें से ड्रॉ करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें 3 क्यूब बनाने हैं सबसे नीचे की साइड, उसके बाद हमें 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है। 2 सेंटीमीटर का गैप किसी भी डायमेंशन का बनाओ, ये गैप सेम रहेगा, 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। उसके बाद आपको वापस ऊपर 2 लाइन्स में 3-3.5 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने हैं, ये भी बन गया। उसके ऊपर भी गैप भी बनाने हैं बिना गैप छोड़े हुए, कंप्लीट है। अब वापस से हमें शुरू की तरह 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है बीच में, और उसे बीच में से 1-1 सेंटीमीटर के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब हमको फाइनली 3 क्यूब्स और बनाने हैं 5 सेंटीमीटर के, और उसके बाद हमारा जितना भी मतलब पेपर वाला यूज़ था वो ख़त्म है इस ब्लैक वाले पेपर का। तो इस तरह से हमारा 15 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर ओवरऑल हमको पेपर इतना चाहिए होगा सेंटीमीटर है। अब हमें इसे कुछ इस तरह से कट करना है जैसे कि बॉक्स होता है उस तरह से। तो हमें यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान से देखना है कौन कौन से पार्ट को आपको रखना है और कौन कौन से पार्ट्स को आपको कट करना है इस पेंसिल कटर की मदद से। और नीचे अगर आपके पास कटिंग मैट नहीं है तो आप इस तरह से मेरी तरह इस तरह का ग्लास का अगर आपके पास कोई टुकड़ा हो तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बड़ी ही आसानी से कटिंग हो जाती है। तो ये पार्ट्स आपको कट करने हैं, और ये यहाँ से एक ट्रायंगल भी निकाल देना है। अब हमें क्या करना है, जितने भी लाइन्स हैं ड्रॉ करी थी हमने उन सबको फोल्ड करना है। तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ जहाँ पर भी लाइन्स हमने ड्रॉ कर रखी थी, और अगर हमारे पास कोई नुकीली चीज़ है तो उससे हम पहले मार्क कर लेंगे ताकि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी रहेगी इस तरीके से। तो प्रॉपरली सब जगह से मार्क करके और फिर उसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह का कोई भी अलग कलर का पैटर्न पेपर लेना है, क्योंकि अभी हमारे पास फ़ोटोज़ नहीं है, आपको इस पेपर की जगह फ़ोटोज़ लगानी होती है। तो उन्हें इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जिस जगह पर हमने पैटर्न पेपर लगाया उसी जगह पर आपको फ़ोटोज़ लगानी होती। और ये जो अंदर के जो साइड्स हैं यहाँ पर हमें देखिए, वो जो ब्लैक कलर का पेपर था वो थोड़ा छोटी डायमेंशन का था 5 सेंटीमीटर का, ये मैंने दूसरा 7 सेंटीमीटर का सेम उसी तरीके से कट करके निकाला है। और मैं इसके ऊपर बताऊंगी कि आपको आगे का प्रोसेस कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने 2-2 सेंटीमीटर के गैप छोड़े थे वहाँ पर हमें ग्लू लगाना है। आप नॉर्मल ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फेविबॉन्ड, क्योंकि ये बहुत फास्ट जल्दी से चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से चिपकता है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से चिपका लेने के बाद हमें क्या करना है, ये जो अंदर के दोनों पॉइंट्स जो उभरे हुए हैं यहाँ पर हमें रबर बैंड लगाना है। रबर बैंड की जो लेंथ है वो लगभग लेनी है हमें, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर वाला है तो उसकी जस्ट डबल से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा यानी 16 सेंटीमीटर लेनी है। यहाँ मैंने जो लिया है शायद ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा नहीं बहुत छोटा है, तो इससे अच्छे से प्रोसेस नहीं करेगा। आपको 16 सेंटीमीटर का लगभग रबर बैंड चाहिए, जो कि बड़ा वाला आता है, उस रबर बैंड को आपको इस तरीके से लगाना है, और उसके दूसरे सिरे को दूसरे वाले पार्ट पे लगाना है जो हमने 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा था इस तरीके से। अब हमें बचे हुए जो बाकी के फोल्ड्स हैं पहले से खींच के रखना है, कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रख देनी है, और ये जो साइड्स के जो ट्राइंगल्स हैं उन्हें इस तरह से फोल्ड करके ये जो उभरे हुए पार्ट्स हैं इनके ऊपर ग्लू लगाना है।
अच्छे से साइडों पे ग्लू लगा देना है और सेकंड वाले साइड पे भी ग्लू लगाना है उसी तरीके से। और जल्दी से जो ऊपर वाला कैप है, इसका मतलब ऊपर वाला पार्टीशन है, इसको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देना है अच्छे से, और इसे दबा के रखना है थोड़ी देर तक ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरीके से। इसके बाद हम वही वेट वाली चीज़ को उस दूसरे पार्ट पे रख रहे हैं और वैसा का वैसा सेम प्रोसेस इस साइड भी करेंगे। और यहाँ भी हम ग्लू लगाएंगे अच्छी तरीके से और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो इसके ऊपर अटैच कर देंगे। ध्यान रहे कि ये जो काम है वो रबर बैंड को खींचे करना है, वरना इसकी वजह से ये फट भी सकता है। और जो पेपर है वो थोड़ा थिक लेना है, अच्छा मोटाई वाला लेना है, कार्ड शीट लेनी है। और ये जो लास्ट चीज़ है इस पर भी हम ग्लू लगा के इसे चिपका देंगे, और जैसे ही अच्छे से चिपकेगा तब हम इसे छोड़ेंगे और फिर ये अच्छे से एक पॉपअप क्यूब की तरह खुल जाएगा इस तरीके से। सो हमारा जो क्यूब है वो बनके तैयार है और मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे एनवेलप में फ़िट करना है और आगे का प्रोसेस कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से एक इस शेप में कप पेपर काट लिया है और फिर उसके साइड से इस तरह से मैंने फोल्ड कर रहे हैं एक एक सेंटीमीटर के। अब इसके ऊपर मैं अगेन दूसरा पिंक कलर का पेपर ले रही हूँ, सॉरी पर्पल कलर या पर्पलिश पिंक कलर है ये। इसके ऊपर हमने जो साइड में मार्जिन्स छोड़े हैं उसके ऊपर ग्लू लगा के इस वाले पेपर से मैंने इस तरह का कटआउट करके इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब अपने इच्छा अनुसार एक एनवलप बनाना है जैसे भी आप उसको डेकोरेट करना चाहते हैं, ये मैंने एक सिंपल तरीका बताया है। और अपने क्यूब को इसके अंदर हमें रखना है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ छोटे छोटे से पेपर के टुकड़े काटने हैं। आप चाहे तो नॉर्मल स्क्वायर शेप में भी सीजर की मदद से काट सकते हैं, और मेरे पास इस तरह के पंचेस थे तो मैंने इनसे कट करे हैं। और साथ ही आप वो जो बर्थडे में जो हम स्पार्कल यूज़ करते हैं गोल्डन सिल्वर कलर के, वो भी ले सकते हैं। अब हमें एक नया पेपर लेना है, मतलब नया कार्ड लेना है। यहाँ मैंने वाइट कलर का लिया है, ये देखिए मैंने अपने इस क्यूब को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक वाइट कलर का पेपर लूँगी, उसे यहाँ से भी फोल्ड करूँगी और ऊपर से भी फोल्ड करूँगी। उसके बाद हम इसे इस एनवलप में लिख रख देंगे। इसमें हम कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं और फिर हम अपने क्यूब को इस तरह से दबा करके अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद जो हमने ये कटिंग करे हैं, ये पंचेस निकाले हैं फ्लावर वाले, इनको हम इसमें रखेंगे। ये मैंने ऊपर से भी फोल्ड कर दिया क्योंकि हम इसी से इसको खींच के बाहर निकालने वाले हैं। सो अब हमें इसके ऊपर ऊपर की साइड रखना है, क्यूब के ऊपर की साइड ये सब कटिंग्स, ताकि जब हम इसे बाहर खींचेंगे तो ये एकदम से उछल कर सामने आएगा और एकदम एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लगेगा, एक सरप्राइज कार्ड की तरह लगेगा। और मतलब जिसको हम ये दे रहे हैं उसके लिए ये अनएक्सपेक्टेड होगा, तो काफ़ी क्यूट और काफ़ी अच्छा लगेगा कुछ इस तरीके से। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसी तरह से मेरे सारे वीडियोस को देखते रहना, और जल्दी 10K सब्सक्राइबर पूरा करना है। सो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में।